उसके बाद फिर वैसे उठाऊँ। तो आज तो पूरा दिन भर घर में ना वो गुदा मचाने वाला है। एंड आज कन्फर्म ये 50-50 या फिर कल तो कन्फर्म है मेरे यहाँ गेस्ट आने वाले। और कौन आने वाला है तो वो तो आपको आगे वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा, तो वीडियो पे बने रहिएगा। चलिए चाय बन चुकी है, पहले मैं चाय पी लेती हूँ उसके बाद मिलते हूँ आपसे। तो मैंने रियांश को ब्रश वगैरह कर दिया, वो फ्रेश हो गया और अब मैं जा रही हूँ किचन में उसके लिए दूध लेने के लिए। मैं देखिए दूध मैंने बॉईल कर लिया है और इसमें मैंने बनाया पत्ता गोभी आलू की सब्जी कढ़ाई में। तो मैंने यहाँ पे दूध बॉईल कर लिया और साथ में मैंने पत्ता गोभी आलू की भाजी बना लिया और आटा मैंने गूंद लिया था कुछ देर पहले, तो वो सेट हो चुका है। कभी कभी चेयर में जो वो गद्दा लगा हुआ है ना, तो धूप में देने से जो भी मतलब अच्छा होता है धूप में निकाल देती हूँ तो उसे थोड़ा सा स्टरलाइज हो जाता है गद्दा में, मतलब नहीं जान आ जाती है। वैसे तो मैं साफ करती हूँ पर डे, लेकिन धूप में मैं कभी कभार देती हूँ, जैसे एक महीना में एक ही बार निकाल देती हूँ। तो अभी ये देखती हूँ, तो मैं अभी धूप देख कर मुझे याद आया कि चलो बहुत कड़ी धूप निकली हुई है, चेयर को दे देती हूँ धूप में। हस्बैंड कुछ देर के लिए अभी बाहर निकले हुए हैं, मतलब यहीं काम से गए हुए हैं, तो वो आएंगे तब करेंगे। तो तब तक मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए बनाकर रख दूंगी। मैं तो रोटी खाऊंगी, मेरे हस्बैंड के लिए पराठा बनाऊंगी और दोनों बच्चों को पहले मैं ब्रेकफास्ट दे देती हूँ। ओके, आज का पराठा और पत्ता गोभी आलू की सब्जी मतलब भाजी है और यहाँ पे चिली सॉस। रियांश हो गया बेटा, ले जाओ। मेरे बेटा को भूख लगी है। यहाँ पे मैंने ये चेयर कवर जो आज वॉश किया था सारे चेयर में मैं भी लगाऊंगी और आज ढेर सारा कपड़ा वॉश हुआ है। फिर रियांश का टॉयज वगैरह जो था टेडी बियर वगैरह डॉग मिकी माउस वगैरह वो सब मैंने आज वॉश किया है, क्योंकि मतलब एक महीना के अंदर ना मैं वॉश कर ही देती हूँ क्योंकि वो हमेशा खेलते रहता है तो फिर गंदा हो ही जाता है। तो एक महीना के अंदर मुझे वॉश करना ही पड़ता है। चलिए पहले इसे मैं कवर लगा देती हूँ। ओके, और कुछ कपड़े मैंने लेकर आए रियांश के, वो सूख चुके हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतना कपड़ा खुला कर रखा हुआ है और इसे मैं अभी फोल्ड करूँगी और फिर ऑर्गेनाइज करूँगी। चलिए इतना काम पहले मैं निपटा देती हूँ। और यहाँ सभी अपना नैप ले रहा है, मिट्टी लगी हुई है कोचिन, और मेरे हस्बैंड कुछ काम से बाहर निकले हुए हैं। सभी ने हम लोगों ने लंच कर लिया है और लंच आज मैंने सिंपली बनाया था, आलू की स्टू की सब्जी और प्लेन रोटी मैंने बनाई थी। बस इसलिए सबका मैं निपटा देती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। एंसी कौन आया है? यहाँ पे आई हुई है मेनर मुन्नी दीदी और यहाँ पे रियांश धूप भी रहा है। एक्चुअली मैंने बहुत पहले दिया था लेकिन दीदी लोग आ गई थी तो उससे मिलने चले गया। और यहाँ पे दीदी जी जो है सब साथ में मीठी नाश्ता कर रहे हैं, तो यहाँ सभी ने नाश्ता कर लिया है और यहाँ मैं बना रही हूँ सबके लिए चाय। दीदी है, जीजा जी, मेरे हस्बैंड है, मैं हूँ और एक ड्राइवर है, तो उन सब के लिए चाय बना रही हूँ और यहाँ पे सभी मिलकर पी रहे हैं। और यहाँ सुरेश का आए थे मिलने के लिए। एवरीवन, अभी दीदी और जिया जी आए हैं और उन लोग को मैंने नाश्ता दिया, चाय वगैरह पी के गए हैं मेरी बड़ी वाली भाभी के यहाँ मिलने के लिए। वहाँ से कुछ देर में आएंगे, तब तक मैं डिनर जा रही हूँ बनाने के लिए। और डिनर में आज स्पेशल बन रहा है रोटी और साथ में मटन। मसाला वगैरह मैं दे चुकी हूँ, बस इसे और मैं आधे घंटे तक मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करूँगी और उसके बाद इसमें पानी ऐड करके इसका ग्रेवी रेडी करूँगी। यहाँ पर देख सकते हो कितना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। यहाँ पे डिनर का ये फाइनल लुक, रोटी साथ में मटन सैलेड। मैं यहाँ सबका प्लेट निकाल रही हूँ और सब मिल के यहाँ पे डिनर कर रहे हैं। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय।